हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका नाम है ईमानदार बेकरी वाला। एक गांव में एक बेकरी वाला था, वो बहुत अच्छी पेस्ट्री बनाता था। उसके यहाँ दो लोग काम करते थे, वो दोनों भाई थे। तो फिर ना एक दिन वो दोनों सब कुछ भूल करते, वो तो सब कुछ भूल जाते थे। तो फिर एक दिन एक ने पेस्ट्री के ना मास्टर को चेक करना भूल गया। तो फिर और एक ना बर्तन को साफ करना भूल गया। तो फिर दोनों को उसने काम से निकाल दिया। फिर उनने मम्मी पापा के पैसे से एक बेकरी खोली। तो उनका स्वाद अच्छा नहीं था, तो सब कोई भी नहीं उनकी बेकरी पे आता था। तो फिर ना एक दिन सब वो सोचते कि इनका केक चुराते हैं। फिर वो सब उसका केक चुराते हैं। फिर ना उस अपने केक रख देते हैं। तो फिर उसको 6 अलग केक भेजने थे। तो फिर वो काम पे लग जाता है। तो फिर है ना वो सब बोलते हैं, चलो भाई ये उसकी दुकान पे चलते हैं। फिर उनके पास वैसे ही केक थे। तो फिर वो सोचता है कि केक किसने चुराया है। फिर वो उनकी दुकान पे जाके चोर चोर बोलता है। फिर वो है ना गाँव को बड़ों को बताने का बोलता है। फिर वो जाके बोल देते हैं। फिर है ना मुखिया बोलता है कि अब तुम केक बनाओ, जिसका केक सबसे अच्छा होगा वो विनर। फिर वो ऐसे केक बनाने लग जाते हैं। फिर है ना जो अच्छा बेकरी वाला था तो फिर वही जीतता है। और फिर ना उसको उसका हक मिल जाता है। और फिर ना जो वो थे ना जो वो दोनों को वो निकल देता है मुखिया वहां से। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है और हमें भुलक्कड़पन भी नहीं दिखाना चाहिए। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दो, अरे कर दो एक लाइक।